हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इन्फॉर्मेशन अड्डा पे। गाइस, इंडियन नेवी की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल के है। पोस्ट की बात करते हो गाइस, एमआर का पोस्ट निकल के है, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले इसकी अप्लाई क्रिया क्या रहने वाली है, क्या लास्ट डेट रहने वाली है एंड क्या एज लिमिट क्राइटेरिया रहने वाला है, प्लस क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन गाइस एमआर पोस्ट के अंदर मांग रखा है, प्लस सैलरी पैकेज क्या रहने वाला है, टोटल कितना वैकेंसी निकल के है, प्लस सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, फी स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, यदि गाइस इसके अंदर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपका जॉब लोकेशन क्या रहने वाला है। ऑल गाइस, हम इन इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो गाइस, आपको बिना स्किप की वीडियो देखने, ताकि आपका ऑल डाउट, ऑल कॉन्सेप्ट, ऑल क्लियर हो सके। बिकॉज गाइस, आप स्किप कर करके देखते हो ना, जिसके कारण गाइस आपका डाउट क्लियर नहीं हो पाता, फिर आप गलती कर देते हो, फिर गाइस आप एक होप लगाते हो, तो गाइस वो गलती अपन को नहीं करनी है। तो गाइस, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बिकॉज गाइस, आपका एक सब्सक्राइब मुझे मजबूर करता है और साथ साथ मोटिवेट करता है आपको टाइम टू टाइम अपडेट करने के लिए, क्योंकि गाइस आपके लिए बिल्कुल ऑथेंटिक और जेन्युइन लाता हूं। तो गाइस, बिना देरी करते आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, ये अपनी इंडियन नेवी की तरफ से एमआर का पोस्ट निकल के है, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। हर काम देश के नाम, इंडियन नेवी इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल। तो गाइस, इसके अंदर मेल एंड फीमेल ऑल ओवर इंडिया से मेल एंड फीमेल कैन अप्लाई फॉर दिस, इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, बट वो अनमैरिड होने चाहिए, ठीक है। तो गाइस, ये नॉर्मल रिक्रूटमेंट है, स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट नहीं है, ठीक है। तो गाइस, इसकी अप्लाई करिए ऑनलाइन रहने वाली है, जो कि आप देख सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम अनमैरिड मेल अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट्स, तो फुलफिल एलिजिबिलिटी कंडीशन। तो गाइस, बात करें इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो गाइस आपने कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड मैट्रिक एग्जामिनेशन विद मिनिमम 50%, तो गाइस आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। एंड गाइस, बात करें एज लिमिट क्राइटेरिया की, तो गाइस आपका एज लिमिट क्राइटेरिया, कैंडिडेट शुड बी बोर्न बिटवीन 1 नवंबर 2003 से लेके 30 अप्रैल 2007 के बीच में गाइस आपका एज क्राइटेरिया आता है, तो गाइस आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। एंड गाइस, बात करें इसके अंदर, आप देख सकते हैं ओनली अनमैरिड इंडियन मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर इनरोलमेंट एज अग्निवीर। तो गाइस, ये अग्निवीर के तहत ये रिक्रूटमेंट रहने वाली है। एंड गाइस, इसके अंदर अनमैरिड जो मेल एंड फीमेल है वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ये गाइस, ये टर्म्स एंड कंडीशन से आप अच्छी तरह देख सकते हैं। एंड गाइस, बात करें इसके अंदर लास्ट डेट की, तो गाइस 27 मई 2024 रहने वाली है। तो गाइस, ये टर्म्स एंड कंडीशन है, लाइफ इंश्योरेंस कवर, डेथ डिसेबिलिटी इनरोलमेंट आप देख सकते हैं गाइस, ये पेंशन का है क्राइटेरिया। तो गाइस, ये टर्म्स एंड कंडीशन आपको अच्छी तरह पढ़ लेनी है। देन गाइस, बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो गाइस इसके अंदर आपका सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम, फिर गाइस इसके अंदर आपका एंट्रेंस होगा, फिर पीएफटी डीवी मेडिकल यानी पीएफटी यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, देन गाइस इसके अंदर आपका डीवी होगा, फिर आपका मेडिकल होगा। अग्निवीर एमआर 2024 बैच विल इंक्लूड टू स्टेज। स्टेज वन के अंदर गाइस शॉर्टलिस्टिंग इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट होगा, स्टेज सेकंड के अंदर पीएफटी यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, फिर आपका रिटर्न होगा एंड रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन। स्टेज वन के अंदर आप देख सकते हैं आईएनईटी यानी इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, जो कि गाइस कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन है। शॉर्टलिस्टिंग इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट INET would be conduct for shortlisting of candidates. Shortlisting would be based on mark obtained in the Indian Navy entrance test. Shortlisting will be carried out in the stage wise manner. The cut-off marks for low shortlisting, the cut-off marks for shortlisting for next stage of selection process may vary from state to state. देन गाइस, बात करें इसके अंदर आपको किस सब्जेक्ट से रिलेटेड गाइस इसके अंदर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि आप देख सकते हैं। द क्वेश्चन पेपर विल कंप्यूटर बेस्ड विद ए टोटल 50 क्वेश्चन एंड इच कैरी 1 मार्क इच। एंड गाइस, इसके अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है, जो कि गाइस बात करें नेगेटिव मार्किंग की, जो कि गाइस आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर 0.25 की गाइस इसके अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। एग्जामिनेशन फीस की बात करते गाइस, ऑल कैंडिडेट्स के लिए एग्जामिनेशन फीस ऑफ 550 एंड प्लस 80% जीएसटी। तो गाइस, इसके अंदर आप मान के चलो आपका 80% जीएसटी लग जाता है, तो आपकी जो फीस स्ट्रक्चर है ऑल कैंडिडेट्स के लिए 649 यानी 649 गाइस इसके अंदर आपका फीस स्ट्रक्चर लगने वाला है। अब इसके अंदर कन्फ्यूज मत होना, बिकॉज गाइस इसके अंदर प्लस 80% जीएसटी आप देख सकते हैं एज टू पेड बाय कैंडिडेट ड्यूरिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन मोड बाय यूजिंग नेट बैंकिंग या बाय यूजिंग वीज़ा मास्टर डेबिट कार्ड UPI किसी के माध्यम से भी गाइज आप अपना पे कर सकते हैं फीस। एंड गाइज, इसके अंदर जो फीस है 649 है, जो कि 80% प्लस GST है।
देन गाइस बात करें आप देख सकते हैं इसके अंदर आपका PFT यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के पास। देन आप देख सकते हैं आपका इसके अंदर गाइस फिजिकल फिटनेस के अंदर आपका क्या क्या हो सकता है। तो गाइस आप देख सकते हैं आपकी 1.6 किलोमीटर रन की जाएगी जो छह इसके अंदर गाइस आपको 1.6 किलोमीटर रन करनी है जो कि आप इजिली कर लोगे। क्लियर एंड स्क्वाट्स मारनी यानी उठक बैठक जो कि 20 मारनी है। पुशअप्स आपको 15 मारनी है। बेंड नी सीटअप्स आपको 15 मारनी है। फीमेल की बात करें तो गाइस 1.6 किलोमीटर आप 8 मिनट के अंदर मारनी जो कि आप इजीली क्लियर कर लोगे। स्क्वाट्स आपको मारनी 15, पुशअप्स मारनी आपको 10 एंड नी सीटअप्स आपको मारनी 10। ठीक है तो गाइस इसके अंदर आपका CBT क्लियर हो जाता है। देन गाइस इसके अंदर आपका PFT होगा, फिर DB होगा, फिर मेडिकल होगा। ठीक है तो गाइस PFT के अंदर आपका ये क्राइटेरिया रहने वाला है मेल एंड फीमेल के लिए। ये नहीं कि फीमेल कैंडिडेट के इसके अंदर आपका फिजिकल नहीं होगा, होगा जो कि आप देख सकते हैं 1.6 किलोमीटर स्क्वाट्स हो गया, पुशअप्स हो गए, नी सीटअप्स हो गई, आपकी चीज़ें आप इसके अंदर होने वाली है। मेरिट लिस्ट, फाइनल रिक्वायरमेंट मेडिकल, मेडिकल स्टैंडर्ड्स एंड गाइस इसकी अप्लाई करिए ऑनलाइन है। हाउ टू अप्लाई एंड गाइस लास्ट डेट की बात करें तो 27 मई 2024 फॉर दिस एंट्री। दिस कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन ऑन दी ऑफिशियल वेबसाइट। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो www.agnivirnavy.navycdac.in है। तो गाइस आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप खुद अप्लाई कर सकते हैं। एंड गाइस कोई गलती नहीं करनी, जो सीक्वेंस वाइज जो डॉक्यूमेंट मांग रखे, जिस साइज के अंदर मांग रखे, उसी साइज में गाइस आपको अपलोड करना है, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा बिना रीजन बताए। उसके भी में आपको अपलोड नहीं किया गया। तो गाइस जैसे आप देख सकते हैं आपका पासपोर्ट साइज फोटो की इसके भी में होनी चाहिए 10KB से 50KB में। एंड गाइस आपके सिग्नेचर हो गए, आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे। तो गाइस ये सारी चीज़ें गाइस आपको ध्यान से फिल करनी है। ठीक है तो गाइस ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन से आपको अच्छी तरह पढ़ लेनी है। एंड गाइस इसकी अप्लाई करिए ऑनलाइन है। तो गाइस आपका जो ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है जो आप यूज़ करते हो वही आपको डालना है जो एक्टिव है। कोई भी फर्दर रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है तो गाइस आपको ईमेल द्वारा या SMS द्वारा आपको सूचित किया जाता है। कोई भी गाइस रिक्वायरमेंट आती है उसके अंदर गाइस एक्टिव ईमेल एंड मोबाइल नंबर ही डाला करो। ठीक है जो आप यूज़ करते हो एक्टिव है, ये कोई सी भी आप रिक्वायरमेंट में आप अप्लाई कर रहे हो। एंड गाइस आप देख सकते हैं वार्निंग, बी अवेयर ऑफ एजेंट चीट्स टॉट्स एंटी सोशल एलिमेंट्स जो कि आपको दिलासा देंगे कि हम आपका सिलेक्शन करा देंगे, आपका सिलेक्शन करा देंगे, तो गाइस आप उनसे दूर रहें। ठीक है तो गाइस बात करें इसके अंदर हाइट क्राइटेरिया की जो कि आप देख सकते हैं आपका इसके अंदर आपके हाइट कितना होना चाहिए मेल एंड फीमेल के लिए जो कि आप देख सकते हैं मिनिमम हाइट स्टैंडर्ड फॉर मेल एंड फीमेल इज 157। एंड गाइस बॉडी पे कोई भी आपका टैटू नहीं होना चाहिए, परमानेंट बॉडी टैटू आर ओनली परमिटेड ऑन इनर फेस। ठीक है फोरआर्म्स एंड फ्रॉम इनसाइड ऑफ एल्बो टू दी व्रिस्ट एंड ऑन दी रिजर्व्ड साइड ऑफ प्लम। ठीक है एंड गाइस बात करें आपकी मेडिकल की तो गाइस आपकी 6x6 आपकी आईज होनी चाहिए, दूर का पास का दिखना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। ट्रेनिंग की बात करें तो गाइस आपका INS चीका उड़ीसा के अंदर इसके अंदर आपका ट्रेनिंग होगा जो कि नवंबर 2024 में स्टार्ट हो जाएगा। एंड डिस्चार्ज एज अनसुटेबल जनरल कंडीशन गाइस आपको अच्छी तरह पढ़ लेनी है। तो गाइस ये अपनी इंडियन नेवी MR की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल के जो कि गाइस MR का पोस्ट निकल के है तो गाइस इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एंड गाइस आपको मैं दोबारा रिकैप कर देता हूं। तो गाइस इसकी अप्लाई करिए ऑनलाइन है। लास्ट डेट की बात करें तो 27 मई 2024 है। एज लिमिट क्राइटेरिया की बात करते गाइस 1 नवंबर 2003 से लेकर 30 अप्रैल 2007 के बीच में गाइस आपका एज क्राइटेरिया आता है तो गाइस आप इसके अंदर एलिजिबल, अदरवाइज आप इसके अंदर एलिजिबल नहीं है। एंड गाइस बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो गाइस आपने 10th पास करके खाली मैट्रिक बेस पे गाइस आप अप्लाई कर सकते हैं, बट गाइस मिनिमम 50% आपके होनी चाहिए। ठीक है एंड गाइस बात करें टोटल वैकेंसी की तो गाइस 300 अप्रोक्स गाइस इसके अंदर वैकेंसी आ रखी है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते आपको मैंने अभी बताया CBT होगा यानी एंट्रेंस टेस्ट, आपका PFP फिर DB फिर मेडिकल। एंड गाइस फी स्ट्रक्चर की बात करें ऑल कैंडिडेट्स के लिए गाइस 649 गाइस इसके अंदर आपका फी स्ट्रक्चर लगने वाले हैं। यदि गाइस इसके अंदर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो गाइस ऑल ओवर इंडिया से कहीं भी गाइस आपका जॉब लोकेशन पोस्टिंग रह सकती है। एंड गाइस इसके अंदर ऑल ओवर इंडिया से मेल एंड फीमेल कैन अप्लाई फॉर दिस, बट वो अनमैरिड होना चाहिए। तो गाइस आप मेल है या फीमेल है अनमैरिड होना चाहिए, यानी कि मेल ही कैंडिडेट अनमैरिड हो, फीमेल मैरिड हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर मेल एंड फीमेल दोनों इसके अंदर अनमैरिड हो, इसके अंदर गाइस मेल हो या फीमेल हो दोनों अनमैरिड हो सकती हैं तभी गाइस आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, तभी गाइस आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस इसके अलावा फिर भी और कोई डाउट है तो गाइस कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आपका रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो गाइस इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो एलिजिबल कैंडिडेट है ऑब्वियसली बात आप इसके अंदर अप्लाई करें, जो एलिजिबल नहीं है जिनका एज क्राइटेरिया इसके अंदर नहीं आता है वो इसके अंदर अप्लाई ना करें। तो गाइस इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड गाइस आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें। जो नए व्यूअर्स हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बिकॉज गाइस आपका एक सब्सक्राइब मुझे मजबूर करता है और साथ साथ मोटिवेट करता है आपको टाइम टू टाइम अपडेट करने के लिए, क्योंकि गाइस आपके लिए बिल्कुल ऑथेंटिक और जेन्युइन वीडियो लाता हूँ।
एंड गाइस एंड में बेल आइकन इसे प्रेस करें ताकि आप तक पहले तुरंत सही जानकारी सही टाइम पे पहुंचे। एंड गाइस एक अपना टेलीग्राम चैनल भी है स्पोर्ट्स कोटा जॉब्स के नाम से, टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं। यदि गाइस वहां पे शो नहीं होता है तो गाइस आपको इसी वीडियो के इसी डिस्क्रिप्शन गाइस इसका लिंक दे दी जाएगा। सरलतापूर्वक ध्यानपूर्वक कुछ नहीं करना गाइस, लिंक पे क्लिक करना एंड गाइस ये आप इस चैनल से जुड़ जाएंगे। तो गाइस इस चैनल भी गाइस आपको टाइम टू टाइम सरलतापूर्वक ध्यानपूर्वक आपको अपडेट करा जाता है। तो गाइस इस चैनल में प्यार दिखाएं एंड गाइस ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी गाइस आपको इसी वीडियो के इसी डिस्क्रिप्शन गाइस इसका लिंक दे दिया जाएगा, सरलतापूर्वक ध्यानपूर्वक आप देख सकते हैं। तो गाइस इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत, हैव अ ग्रेट डे।